मारिया मारिया, दरवाजा खोलो यार। देखो क्या बचपना है ये। खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी ना। दरवाजा खोलो। क्या बस सब खैरियत? मारिया ठीक है? हाँ, वो शायद जहनी तौर पे डिस्टर्ब है। खाना लेकर आया हूँ, दरवाजा लॉक कर लिया, खोल नहीं रहे। तुम मुझे तो, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो। हाँ, मेरी भी कजन है। तुम्हारी कजन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो तुम्हें क्या करेगी? तुम बस दफा अच्छा दिलासा वहीं से मिलता है जहां से उम्मीद नहीं होती। मैंने भी अपना बाप खोया है। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि इस तरह के वक्त पे इंसान को भूख नहीं लगती है, सिर्फ जाने वाले की याद सताती है। ठीक है, कर लो ट्राई। क्या बात है, तुम लोग यहाँ खाना लेकर क्यों खड़े? बाबा, वो मारिया ने दरवाजा लॉक कर लिया है। मैं खाना लेकर आया हूँ, खाना नहीं खा रही। ओ अच्छा, मुझे तो, मैं खिलाता हूँ उसे। तुम लोग जाओ, तुम लोग भी खाना खा लो, और आपस से कहना कि समीना को भी खाना खिला दे। जी जाओ। मारिया बेटा, मारिया तुम्हारे ताया बुआ आए हैं। बेटा दरवाजा तो खोलो ना। एक भाई अपने भाई के लिए रो रहा है, क्या तुम आंसू नहीं पहुंचोगी उसके? प्लीज दरवाजा खोलो। मारिया बेटा दरवाजा खोलो। आज अगर मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना न खाती ना, तो मैं भी भूखा ही रहता। आप बहुत अच्छे हैं तायब। इरफान जितना अच्छा फिर भी नहीं हो। अगर होता ना तो तुम यहां अकेले ऐसे नहीं रो रही होती, मेरे पास आती, मेरे सीने से लगकर हर बात कहती, जैसे अपने सारे सुख मुझसे बांटते आई हो ना, वैसे अपने दुख भी बांटती। मेरे पास लफ्ज खत्म हो गए तायबु। गिनती के कुछ रिश्ते थे मेरे पास। अब्बू के जाने के बाद लग रहा है जैसे खत्म हो गया। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत सोचो, ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि आज इरफान हम में नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रखना, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये तुम्हारे तायब का वादा है तुमसे।